नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूं राशिका बजाज। लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में सोमवार को शांतिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से सशस्त्र सैन्य बलों की बहाली में परंपरागत विरासत और लोकाचार को नष्ट कर गलत नीति अग्निपथ योजना की घोषणा की, इससे आज पूरे देश के युवाओं में नाराजगी है, जो आक्रोशित होकर आंदोलन कर रहे हैं। इस योजना के आने से फौज की तैयारी कर रहे युवाओं में अपने जीवन को लेकर असमंजस पैदा हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए इस योजना को तुरंत वापस ले। देश ने सुना है, आप भी सुने होंगे, भारत सरकार अग्निपथ योजना ला रही है। सेना में 4 वर्ष के लिए नियुक्ति करने के लिए। सेना एक परमानेंट संस्था है, देश की सेवा में, बॉर्डर की रक्षा में तैनात रहती है सेना, और उसके नियम पहले से बने हुए हैं कि किस रैंक में कितनी नियुक्तियां होंगी, कितने सालों के लिए होंगी, उनका वेतन कितना होगा और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन कितना मिलेगा, सारी चीज़ें उसमें हैं। इच्छुक लोग, खास करके वो जो देश की सेवा करना चाहते हैं बॉर्डर में रह करके, वो तैयारी करते हैं बरसों से और फिर सेना के जो नियुक्ति निकलती है, विज्ञापन निकलता है, तो शामिल होते हैं और नियुक्त होते हैं उसमें और देश की सेवा करते हैं। ये 4 साल के लिए टेम्पररी, ये एक भ्रम पैदा कर दिया कि भाई होगा क्या इसका, क्या इसका होगा, 4 साल में क्या होगा, 6 महीना ट्रेनिंग, 3.5 साल सर्विस, अब इसके बाद चले जाएंगे 25 साल। जब प्राइम यूथ होता है, जवानी होती है आदमी की, उस समय नौकरी चाहिए, उसी समय नौकरी चाहिए, है ना, और उस समय नौकरी से निकालते हैं आप, नियुक्ति से ख़त्म कर देते हैं, उनका अंधेरा हो जाएगा। 25 साल सुख सुविधा में, कुछ जो भी सुख सुविधा मिले, सैलरी मिले, वेतन मिले, सेना में 4 साल रहने पर उसे वंचित हो जाएंगे, जीवन पर वंचित हो जाएंगे, और कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है कि उनको भविष्य में कोई अच्छी सी सेवा मिले, सेवा करने का मौका मिले, नौकरी मिले। तो एक तरह से देश के जवानों को एक तरह धोखा दिया जा रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है रोजगार के नाम पर। इसे किसी भी तरह से रोजगार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, इसीलिए कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। सत्याग्रह पूरे देश में, खाली लोहरदगा में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश में आज 27 तारीख को हो रहा है। जैसे गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे, नमक कानून, नमक का टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने। टैक्स लगाना सरकार का अधिकार बनता है, लेकिन कांग्रेस ने उसे समझा कि नहीं, ये अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।